गाइज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी धाम मंदिर के पास। हे गाइज कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम अभी आ चुके हैं माँ वैष्णो देवी धाम वृंदावन मथुरा में और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आप सभी लोग ब्लॉग में बने रहे। गाइज ये मंदिर वृंदावन वाली रोड में 200-400 मीटर चलने के बाद ही आ जाती है और यहाँ से हम लोगों के पास बैग है तो एक लॉकर में डालने के लिए पर्ची ली है जिसका 20 रुपया टिकट होता है और यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे, मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ पे सुरक्षा बल चेक करेंगे। और गाइज यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा पहाड़ बनाई गई है और यहाँ सामने में ऊपर में माँ वैष्णो देवी की बहुत बड़ी मूर्ति है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी आ चुके हैं जैसा कि वैष्णो देवी मंदिर में, आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे कितना अच्छा वैष्णो देवी का मंदिर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा दिल से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देखते हैं। गाइज यहाँ कुछ आप लोग डबल ब्रिज का नजारा देख सकते हैं कितना कमाल का लग रहा है। गाइज यहाँ से हम लोग अब मंदिर के अंदर जाएंगे, कितनी अच्छी पहाड़ बनाई गई, उसके नीचे मंदिर बनाई गई है और चलिए आप सभी को दिखाते हैं कितना कमाल का व्यूज है अंदर में, देखने लायक है। गाइस चलिए आप सबको दिखाते हैं मंदिर के चारों साइड कितनी मूर्ति बनाई गई है और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी प्रतिमा लग रही है, कितनी अच्छी कलाकारी की गई है यहाँ पे। आप सभी को दिखाएंगे चारों साइड जो मूर्ति बनाई गई है, तो आप सभी लोग देखते रहिए। गाइज हम लोग अभी मेन मंदिर से बाहर जा रहे हैं, अभी बाकी है बहुत चीज़ देखने लायक यहाँ पे, सो आप सभी लोग बने रहें।
अगर अभी आप लोग बर्ज की होली ब्लॉग नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक है, जाकर देख सकते हैं अभी नहीं, इस वीडियो के बाद। गाइस देख सकते हैं गुफा एंट्री है, गुफा प्रवेश है और यहाँ से हम लोग जाएंगे अब गुफा में। अब आपसे दिखाएंगे गुफा के अंदर का व्यूज और वहाँ भी काफ़ी कमाल की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। कृपया मूर्तियों को हाथ ना लगाएं। जय माता दी। आज गुफा के अंदर भी बड़ी कमाल कमाल की मूर्तियाँ बनाई गई है और उसका मंत्र भी लिखा गया है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। गाइस यहाँ पे जय माता दी लिखा है और कितनी अच्छी लाइट लगाई गई है आप लोग देख सकते हैं और यहाँ हमारे फ्रेंड एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग अब ऊपर जाएंगे और यहाँ कुछ फॉरेनर्स है, विदेशी है, उनसे जानते हैं वो किस देश से आई है। यहाँ से फिर नीचे गुफा है और फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे गुफा से। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सब बाहर का व्यूज है और सामने एलईडी लगाई गई है बहुत बड़ी। Here you can see guys कितनी सुंदर मूर्ति बनाई गई है भगवान कृष्ण और राधा की। यहाँ लॉकर से हम लोग बैग लेंगे अपना। गाइस हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम करके, काफ़ी इन्जॉय किए, बहुत अच्छा घूमने लायक जगह था ये। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और आप सभी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।